करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। हम लोग डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हमारे देखिए कुछ अलग यूनिट टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बुक एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, तो ये जो एक बुक का नाम लिखा हुआ है ये किसने पब्लिश किया पहले बताइए। ये पब्लिश किया है रॉबिन्स ने, ठीक है, रॉबिन्स ने किया है। ठीक है, तो एसे ऑन द बुक है एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये बुक है। ठीक है, ये बुक पब्लिश्ड, ये बुक किसने लिखा है, रॉबिन्स ने लिखा है। कब लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बुक कब लिखा गया। ठीक है, तो ये 1932 में लिखा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1932। ठीक है, किसने लिखा है, लॉर्ड रॉबिन्स ने लिखा है। तो इकोनॉमिक्स में बुक का नाम, ऑथर का नाम, बुक का पब्लिश हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कहीं पर एक जगह पर्टिकुलर बुक का नाम, ऑथर का नाम लिख के उसको प्रैक्टिस पढ़ते रहिए, उसे याद रहेगा, डेट भी पढ़ते रहिए, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आंसर 1932 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। देखिए ये क्वेश्चन से पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। देखिए एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन वॉज रिनेम्ड एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। देखिए यहाँ पर क्या, पहले एग्रीकल्चरल प्राइजेस नाम था, बाद में इसका रिनेम हुआ। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, ठीक है, ये आपका आया है 1965 में। ठीक है, कब आया है, केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में आया है 1965 में। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन एग्जिस्टेंस में कब आया है, 1965 में आया है। और आपका इसका जो नाम है वो रिनेम कब हुआ, इसका रिनेम हुआ 1985 में। क्या रिनेम हुआ, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP। ठीक है, तो इस कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP, इसका रिनेम कब हुआ, 1985 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिला, जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन है ये एग्जिस्टेंस में आया 1965 में, और इस ये यही वाला जो स्कीम है ये आपका रिनेम हुआ, इसका दोबारा से नाम रखा गया, क्या रखा गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP, कब रखा गया, 1985 में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें रखते हैं, ये जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस ये आपके फार्मर्स के लिए बनाया गया है, ताकि उनके क्रॉप्स जो है वो सही प्राइस में मिले और भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो स्कीम है ये फार्मर्स के लिए, इसी से आपको पता चल गया है। इससे दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कब आया, अभी मैंने बताया 1965 में, और इसका नाम चेंज हुआ 1985 में। ठीक है, और नाम इसका पहले वाला नाम से अभी दूसरा नाम रखा गया है, नाम क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब लोग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये वाला करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए, मल्टीप्लायर चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लायर जरूर करिए। देखिए मल्टीप्लायर के बारे में शॉर्टकट में बता देती हूँ, मल्टीप्लायर क्या है, ड्यू टू, देखिए यहाँ पे दो ही चीजें देखी जाती है, एक तो इनकम को, एक दूसरा इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो मल्टीप्लायर बहुत सिंपल है, मल्टीप्लायर को के से ग्रोथ करते हैं, और इसका फॉर्मूला था चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ठीक है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसी से इसका डेफिनेशन भी बन जाता है, रेशियो होता है, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का एक रेशियो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लायर का हम लोग ने फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया, मल्टीप्लायर के और दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, यहाँ पे होगा MPC। ठीक है,
फॉर्मूला नंबर वन, ये फॉर्मूला नंबर टू है। तो मल्टीप्लायर की इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका एक और फॉर्मूला है के इज इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। एमपीएस क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला चूज करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करिए, फॉर्मूला को कहीं लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है, देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है 0.5, तो आपको क्या बताना है, मल्टीप्लायर बताना है। हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस। ठीक है, एमपीएस की बात करें, एमपीएस का वैल्यू कितना है, 0.5 है, ये पॉइंट को हटा देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना है हमारा, 2 आया, तो आंसर देखिए हमारा ए आंसर मिलेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड थे। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो आप इस चैनल में कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। और अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे क्या होगा आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और मैं डेली मॉर्निंग में MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही एक क्वेश्चन होता है, वो भी आप करिए, आपकी रिवीजन होती रहेगी। आप लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।